हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ग्रुप स्पेसिफिकेशन और लोडिंग की। और लोडिंग में हमने बात की थी आपका जॉइंट लोड्स की और सेल्फ वेट की। आज हम बात करेंगे मेंबर लोड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोड, पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि दो तरह के लोडिंग होती है। एक होता है लोड टाइप और एक होता है आपका लोड पैटर्न। टाइप मीन्स वो टाइप किस टाइप का है, डेड लोड, लाइव लोड है, और उस डेड लोड के अंदर या लाइव लोड के अंदर किस पैटर्न के हिसाब का लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, यूडीएल, डिस्ट्रीब्यूट लोड, किस टाइप का लोड लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोड केस बनाने के लिए हम लोड एंड डेफिनेशन पर क्लिक करते हैं, फिर लोड केस डिटेल पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम बना लेते हैं डेड। फर्स्ट लोड बना रहे हैं डेड, जिसका टाइटल भी डेड ही रखेंगे, हम डेड ही रखते हैं। ऐड पर क्लिक कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब इस डेड लोड पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड करेंगे हम। लास्ट वीडियो आप देखोगे, अगर नहीं देखी आपने तो सेल्फ वेट और नोडल लोड के बारे में बात हुई थी और इस वीडियो में बात करेंगे हम मेंबर लोड की बात। तो मेंबर लोड में फर्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म फोर्स, जिसे हम यूडीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इमेज भी बनी हुई है, इमेज भी हमें बताती है कि किस टाइप का लोड है। W1 लोड है, वो उसकी लोड की कुछ लेंथ होती है, ये देख रहे हो आप, लेंथ होती है। ठीक है, अब इस लेंथ में D1 क्या है, D2 क्या है और D3 क्या है। अगर आप इस इमेज में नहीं समझ पा रहे तो मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज है। मान लीजिए आपका एक बीम है ये, ठीक है, और ये बीम का है आपका क्रॉस सेक्शन, 3D बीम बनाया। इसके ऊपर यूडीएल लगेगा, एक बार मैं कलर चेंज करके देख लेता हूँ पेन का। ओके, ठीक है, दो टाइप का इसमें कलर एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये है हमारा बीम। ठीक है, अगर दोबारा से बनाता हूं बीम, सही नहीं बना, ये बीम है, ये बीम की डेप्थ है। ठीक है, अगर देखिए D1 का मतलब क्या है कि लोड कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए यहां से लोड स्टार्ट हो रहा है तो D1 क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये क्या है आपका D1। ठीक है, अब D2 क्या है, लोड कितनी की लेंथ, लोड कितना लंबा लगा हुआ है आपका, ये क्या है D2। और D3 क्या है कि जो हमारी विड्थ है बीम की, इसके कहाँ पे लोड लगा है, ये सेंटर पॉइंट है न्यूट्रल एक्सिस जस्ट टाइप का। तो अगर 0 रखते हैं D3 को तो यहां लगता है, और कुछ वैल्यू देते हैं तो इधर उधर खिसक सकता है माइनस पॉजिटिव में। ठीक है, और यहां पे हम डालते हैं लोड वैल्यू और यहां पे हम लोड की डायरेक्शन। तो देखिए मैं चाहता हूं लोड माइनस में लगा रहा हूं डाउनवर्ड के लिए, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और मैं यहां पे कुछ भी नहीं डालता हूं, 0 0 0 और डायरेक्शन GY, ग्लोबल वाई डायरेक्शन। और मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये लोड आगे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब अभी अप्लाई नहीं हुआ है बीम पे। तो असाइन टू व्यू मतलब कि जितना भी स्ट्रक्चर है सब पे अप्लाई हो जाए एक ही बीम है। तो ये देखिए, अगर हम D1, D2, D3, 0 0 देते हैं तो फुल स्ट्रक्चर पे, फुल मेंबर पे हमारा लोड रहेगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए, मैं अगर D1 में डालता हूँ 1 मीटर चेंज तो 1 मीटर स्पेस हो गया,
डालता हूँ 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ठीक है। अब इधर देखिए D2, D2 का यहाँ से D2 में डालता हूँ मैं 3 मीटर, तो देखिए ये लेंथ आपका D2 क्या होता है, ये क्या है आपका D2। मैंने D2 में वैल्यू क्या डाली है 3 मीटर, यानी कि ये क्या है 3 मीटर, और D1 कितना है हमारा 1.5 मीटर, ये क्या है हमारा 1.5 मीटर। तो हमारा लोड की लेंथ कितनी होगी 1.5 मीटर। तो इस तरह से ये होता है। अगर मैं D3 में कुछ डालता हूँ, मान लीजिए डालता हूँ 0.15 150 mm, देखिए 150 mm क्यों डाला मैंने, क्योंकि ये विड्थ के अलोंग, ये देख रहे हो ना, ये जो विड्थ होती है आपकी इसके अलोंग मूव होता है, सेंटर में लग रहा है अभी ये। तो मान लीजिए विड्थ 300 mm है, तो 150 पॉजिटिव 150 नेगेटिव ही तो मूव होगा, ये लिमिट होगी। 600 mm है तो 300 होगा mm, है ना, पर ये हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए ये वैल्यू डाली चेंज के पता नहीं चल रहा हुआ, इसका रिजल्ट आप देखोगे कब, जब आप बेंडिंग मोमेंट या टॉर्जन देखोगे, टॉर्जन डेवलप हो जाएगी इसकी वजह से। एक चीज याद आई, हम जो करके देखते हैं क्या पता उसकी वजह से आपको दिखाई दे, प्रॉपर्टी दे देता हूँ मैं इसको, कभी मैंने भी करके नहीं देखी लेकिन देख लेते हैं कि शायद ये इसेंट्रिसिटी दिखाई दे हमें यहां पर भी। दोबारा लोड पे जाके लोड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ स्ट्रक्चर डायग्राम में गए हम, और यहाँ फुल सेक्शन कर दिया हमने, तो देखिए दिखाई दे रहा है फोर्स कहाँ लग रहा है अभी एज पे, ये देखिए इस एज पे लग रहा है फोर्स। अगर मैं उस डी थ्री को जीरो कर देता हूँ, तो भी ये एज पे ही लग रहा है, इसका मतलब हम ऐसे नहीं देख सकते इसको, ठीक है। ये है आपका 300 mm, अगर मैं यहां पे डालू 100 mm, तो अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये शो नहीं कर पाता इसमें, मैंने कोशिश की पर नहीं कर पाता शो, लेकिन इससे रिजल्ट में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अपडेट लोड पे क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं दूसरा लोड, मेंबर लोड में दूसरा है यूनिफॉर्म मूवमेंट, जैसे यूडीएल लग रहा है वैसे यूनिफॉर्म मूवमेंट, जैसे ये आपका बीम है तो मूवमेंट ऐसे लग रही है यूनिफॉर्म। ठीक है चलो देखते हैं, मूवमेंट लगा देते हैं हम यहाँ 3 kN, पॉजिटिव यानी कि सैगिंग, नेगेटिव यानी होगी। अब कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें तो पूरे मेंबर पे लगेगी मूवमेंट, असाइन कर देते हैं। ये देखिए मूवमेंट की डायरेक्शन जेड ले लेते हैं, दिखाई देगी क्योंकि जेड ऐसे होती है, देखिए इस तरह से दिखाई देती है एरो से, यानी कि फुल मेंबर पे है ना। अगर डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू डाल के देखते हैं, डी वन 1 मीटर डाल के देखते हैं चेंज, ये देखिए है ना, तो इस तरह से ये भी सेम होता है। तो नेक्स्ट लोड देखते हैं ऐड, उसके बाद है पॉइंट फोर्स, यहाँ पे वैल्यू डाली है मैंने 20 kN। अगर मैं डी वन डी टू में कुछ नहीं डालूंगा तो ये लगेगा सेंटर पे, देखिए सेंटर पे, देखिए जूम आउट कर रहा हूँ, एरो छोटा नहीं हो रहा, एरो छोटा करना लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार और कर लेते हैं। इस पे क्लिक करना है सिंबल एंड लेबल स्केल अप्लाई इमीडिएटली, और पॉइंट फोर्स ये रहा इसकी वैल्यू को बढ़ाओ, ये रहा। अब इसको एडिटिंग करते हैं पॉइंट फोर्स को, तो डी वन क्या है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से किस डिस्टेंस पे लगा रहे हो आप, जैसे 2 मीटर डाल दिया मैंने चेंज, 2 मीटर पे लग गया स्टार्टिंग से 2 मीटर पे। और डी टू क्या है इसमें, डी टू कह रहा है कि वो इसेंट्रिसिटी जो है विड्थ के अलोंग। नेक्स्ट लोड पॉइंट मूवमेंट सेम, अभी यूडीएल लगाई थी हमने, पॉइंट मूवमेंट सेम पॉइंट फोर्स की तरह, ये लग चुकी है, इसका भी एरो बहुत बड़ा है, तो एरो इसका छोटा करने के लिए सिंबल एंड ये स्केल अप्लाई इमीडिएटली
और इसमें पॉइंट मोमेंट ये रही, इसका वैल्यू बढ़ाएंगे ये रही, ठीक है। नेक्स्ट डेड लोड पे क्लिक करके ऐड करते हैं। मेंबर लोड, लीनियर वेयरिंग लोड, देखिए लीनियर वेयरिंग लोड में दो तरह के लोड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ये ट्रेपोजिटल टाइप का और एक आ रहा है ट्रायंगल टाइप का। देखिए इसमें एक चीज खास बात है, इसमें D1 D2 नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर वेयरिंग फुल मेंबर पे लगता है। तो पहले वाला लगाते हैं, इसमें क्या है दो वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम W1 W2। तो मैंने W1 में जैसे डाली -2 और इसमें डाली -6, दो वैल्यू डाल दी और इसको अप्लाई किया मैंने। तो देखिए ये ब्लू वाला जो एक्टिव होता है, जिस पर क्लिक करूंगा वो ब्लू हो जाता है। हमें ये सब लोड रीड कर देने चाहिए तभी हम समझ पाएंगे लीनियर वैल्यू। देखिए लीनियर वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट और वी प्रेस करेंगे तो लोड वैल्यू 2 6, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके एडिट करते हैं। अब नीचे वाला लोड लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए फर्स्ट वन एंड पे 0 और दूसरे एंड पे भी 0 है, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है W3, है ना। तो मैंने डाल दिया -12 और चेंज किया तो ट्रायंगल फॉर्म में आता। पर इसमें D1 D2 की हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये था लीनियर वेयरिंग, इसको डिलीट कर देते हैं। ऐड करते हैं दोबारा मेंबर लोड में। नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजॉइड, ये सेम लीनियर वेयरिंग जैसा है, बस इसमें D1 D2 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला -2 और -6 और D1 में डाल दिया 1 मीटर और D2 में 4 मीटर और ऐड किया इसको मैंने किया। देखिए इसमें D1 क्या है आपका, वो ये है 1 मीटर जो भी दिया मैंने, और D2 क्या है वो ये है, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, बैट वर्ड पर क्लिक करके दोबारा ऐड करते हैं। मेंबर लोड टाइप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपका, जब आप कोई वॉल बना रहे हो, टैंक बना रहे हो, तो पानी का लोड लगाना है तो कैसे लगेगा, ये वर्टिकल पे लगता है, वर्टिकल एलिमेंट पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसको वर्टिकली एक फ्रेम बना लेता हूँ, ये बन गया इस तरह से, और इसके ऊपर लगा देता हूँ प्लेट। यहाँ से प्लेट लगाते हैं, और डिटेल में प्लेट को मैं बाद में बताऊंगा। सॉरी प्लेट का अभी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मेंबर लोड की बात हो रही है। मेंबर हम किस चीज को बोलते हैं, बीम और कॉलम को, वो सब मेंबर है। जॉइंट क्या है, नोड। प्लेट स्लैब अलग, उनके अलग लोड दिए हुए हैं, तभी हम केवल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, मेंबर लोड की। तो हमने देखिए मेंबर सेलेक्ट किया एक वर्टिकल, ऐड किया मेंबर लोड हाइड्रोस्टैटिक। यहाँ पे आता है पहले मेंबर को सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट मेंबर पे क्लिक किया और ये कोई भी एक मेंबर सेलेक्ट कर लिया, मान लिया ये वाला कर लिया, 3 आ गया यहाँ पे, इसका नंबर 3 है, डन। अब लोड वैल्यू मांग रहा है, वो एक ट्रेपेजॉइडल की तरह लगेगा। ये किस डायरेक्शन में लगाना है, जी एक डायरेक्शन में लगाना है, ऐड कर दिया और इसको मैंने लगा दिया इस पे, सॉरी लग गया। देखिए डायरेक्शन क्या है इसकी, एक्स, जी एक्स में सेलेक्ट किया था, और -2 और सॉरी 2 और 6 ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में लगता है वर्टिकल एलिमेंट। नेक्स्ट डेड लोड के अंदर, मेंबर लोड के अंदर प्री स्ट्रेस पोस्ट स्ट्रेस। आप जानते हैं प्री स्ट्रेस क्या होता है, कि हमारा हमने जो कोई भी एक एलिमेंट है उसमें पहले से स्ट्रेस की, उसके बाद कास्ट किया, यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमने पहले मान लीजिए फ्रेम है और इसके अंदर हमने डक करके एक बार को फोर्स लगाया स्टील में, इसके अंदर टेंशन डेवलप होगी, तब इसके अंदर कंक्रीट फिल कर दिया और तब इसको कास्ट करा, तो ये होता है प्री स्ट्रेस। अब पोस्ट स्ट्रेस क्या होता है, कि ये बीम है, बीम कास्ट कर लिया, सूख गया, स्ट्रेंथ आ गई, इसके बीच में एक होल है, फिर इसके अंदर हमने केबल डाली, उस केबल में हमने फोर्स लगाया, टेंशन और कंप्रेशन जो भी फोर्स लगाना है, तो इसके अंदर अब स्ट्रेस डेवलप हुई है, पोस्ट स्ट्रेस होता है। तो ये प्री स्ट्रेस में देखिए पूछ रहा है कितना फोर्स लगा रहे हैं, 2 किलो न्यूटन, कहाँ लगा रहे हैं, इसेंट्रिसिटी क्या है, वो डाल देंगे। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा किसी बीम पे, तो देखिए एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ये एरो स्मॉल ब्लू,
ये है प्री स्ट्रेस फोर्स, सेम प्रोसेस स्ट्रेस फोर्स है आपका। एट इनको हम एनालाइज करके और रिजल्ट डिजाइन सब करके देखेंगे इन लोड को लेके। आगे आना है एल्यूमिनियम फिक्स एंड, फिक्स एंड है जैसे कि इसकी फिक्स सपोर्ट है उस पर कोई फोर्स लगाना हो तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका एंड पॉइंट। अब फोर्स छह तरह के दिए हुए हैं, जॉइंट पे दिए थे। एक बार आगे इसने एफ जेड में लगा देता हूँ मैं -20 और एक एफ वाई में लगा देता हूँ -10। ऐड किया और इसको इस पे अप्लाई कर दिया, ये फोर्स शो नहीं होते इसमें पर ही लग चुके हैं। फिक्स सपोर्ट है उसके जॉइंट पे फोर्स फिक्स सपोर्ट की वजह से लग रहा है। तो ये था आपका मेंबर लोड्स। और इसके बाद हम आगे चलेंगे फिजिकल मेंबर, एरिया लोड, फ्लो लोड इन सब पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।